हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 21 जुलाई के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस की अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, दिल्ली वार्ता भारत और निम्नलिखित समूह के बीच जुड़ा हुआ है, तो इसमें आंसर आएगा भारत और आसियान। और इस बार का विषय था स्ट्रेंथिंग इंडिया एशियन मैरिटाइम कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा, तो इसमें आंसर आएगा ब्रिटेन को पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने हेतु लोकसभा द्वारा हाल ही में कौन सा विधेयक पारित किया गया, तो इसमें आंसर आएगा आर्थिक भगोड़ा अपराधी विधेयक 2018। बैंकों से बड़े कर्ज लेकर बिना चुकाए विदेश भाग जाने वालों को वापस लाने और उनकी संपत्ति जब्त करने संबंधी भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 लोकसभा में पारित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए, तो इसमें आंसर आएगा म्यांमार ने। म्यांमार 19 जुलाई 2018 को भारत द्वारा आरंभ की गई पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 68वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जिसने फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में के लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसमें आंसर आएगा गोपाल दास नीरज। और गोपाल दास नीरज को फिल्म जगत में सर्वश्रेष्ठ गीत लेखन के लिए 70 के दशक में लगातार 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, और इसके अलावा इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे कितने मीटर के दायरे में नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है, तो इसमें आंसर आएगा 100 मीटर के दायरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वार की धमकी के बीच यूरोपीय संघ ने जापान के साथ अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका द्वारा टैरिफ लागू करने और ट्रेड वार की धमकी के बीच यूरोपीय संघ और जापान ने अब तक के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा होगा, तो इसमें आंसर आएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे FRDI विधेयक का संबंध किससे है, तो इसमें आंसर आएगा FRDI विधेयक का संबंध बैंकों में जमा पैसे से है। FRDI यानी फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस। बैंकों में आम आदमी की जमा पूंजी की सुरक्षा के लिए मौजूदा समय में जो गारंटी मिलती है उसे बदलने वाला कानून फिलहाल नहीं लाया जा रहा है। केंद्र सरकार इस गारंटी की जगह लेने के लिए लाए जा रहे फाइनेंशियल रिजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल को नहीं लाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा NSCNIM का मतलब निम्नलिखित में से किससे है, तो इसमें आंसर आएगा नागा लोगों के संगठन से, यानी नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित ईसाई आतंकी संगठन है जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम म्यांमार और भारत के नागालैंड में आतंकी हमले करता रहता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नागालैंड के सभी लोगों का धर्मांतर कर उन्हें ईसाई बनाना है। इसका मुख्य रूप से नागा लोगों जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम म्यांमार के हैं का इस संगठन द्वारा जबरदस्ती धर्मांतर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक दासता सूचकांक 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला पॉइंट है, यह रिपोर्ट वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, फर्स्ट रैंक उत्तर कोरिया को मिली है। नेक्स्ट है, भारत को 53वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है, अंतिम रैंक जापान को मिली है जो सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, इसमें कुल 167 देश शामिल थे। और नेक्स्ट है, इसमें
उपयुक्त सभी सही है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी का मार्केट कैप पहली बार 900 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? तो इसमें आंसर आएगा अमेजन कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ऑनलाइन पेंशन सिस्टम के लिए आधार आपकी सेवा का नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? तो इसमें आंसर आएगा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच पहली 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसमें आंसर आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ नई दिल्ली में समुद्री मामलों से संबंधित वार्ता का चौथा संस्करण आयोजित किया है? तो इसमें आंसर आएगा जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा पारित किस विधेयक के तहत अब रिश्वत लेने वालों को भी सजा का प्रावधान कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है रिश्वत निरोधक विधेयक 2013, भ्रष्टाचार निरोधक विधेयक 2015, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली साहित्यकार कवि गीतकार गोपाल दास सक्सेना का निधन हो गया, जिनका संबंध किस राज्य से है? तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता 6 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस दौरान निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से अधिकारी इस 2+2 वार्ता में शामिल होंगे? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस दिल्ली आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 में यूनेस्को ने रानी की वाव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जल्द ही 100 रुपए का नया नोट जारी करने वाला है। इस नोट के पीछे भारत की सांस्कृतिक झलक के तौर पर गुजरात के पाटन स्थित रानी की वाव की झलक देखने को मिलेगी। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था और यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस बावड़ी को सोलंकी साम्राज्य के समय में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018-19 विपणन वर्ष के लिए गन्ने के निष्पक्ष और लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित समिति की सिफारिश के बाद इस निर्णय को लिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में LIGO इंडिया प्रयोगशाला के निर्माण और संचालन के लिए इन प्रिंसिपल को मंजूरी दे दी है, यह निम्नलिखित देश के LIGO प्रयोगशाला के सहयोग से काम करेगा? तो इसमें आंसर आएगा LIGO इंडिया प्रयोगशाला संयुक्त राज्य अमेरिका में LIGO प्रयोगशाला के सहयोग से 2024 में परिचालित होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस ऑफ इस्लाम एक ग्लोबल हिस्ट्री किताब के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा एड हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के वर्तमान निदेशक और एजेंसी अधिकारी कौन है? तो इसमें आंसर आएगा DK असवाल। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस सर्च इंजन पर $5 बिलियन का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है याहू, बिंग, AOL और गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के किस मंदिर में महिलाओं को प्रवेश और पूजा करने को उनका अधिकार बताया? आपके ऑप्शंस है सबरीमाला मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, पद्मनाभन मंदिर और तिरुमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही नो डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बाल शिक्षा, बाल विवाह, महिला संरक्षण और दहेज प्रताड़ना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है,
आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।